अगर आपका मोटर चल रहा है और प्रेशर कम है तो पहले हमें पंप को चेक करना होगा, तो अभी हम पंप को खोलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूल्स विला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रेशर वाशर में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम जैसे प्रेशर कम होना, पानी ठीक से स्प्रे नहीं होना जैसे प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि आप बिना किसी परेशानी के प्रेशर वाशर को लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो चलिए अभी हम मशीन को खोलेंगे। खोलने से पहले हमें ये रेड कलर का जो फाइबर बॉडी है इसको पहले ओपन करना होगा। तो इसके लिए हमें स्क्रू ड्राइवर का ज़रूरत है। तो अभी हम इसको स्क्रू ड्राइवर से तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने बॉडी को ओपन कर लिया है, फिर भी ये बॉडी बाहर नहीं निकल रहा है। जो प्रेशर गेज देख रहे हैं इसको पहले हमें खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही ये बॉडी ओपन कर पाएंगे। इसको खोलने के लिए आपको 16-17 डी स्कैनर की ज़रूरत होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा वायर कनेक्ट किया हुआ है, स्विच का है, इधर ऑटो कट स्विच का है। तो वायरिंग खोलने से पहले आप एक बात ध्यान में रखें, एक फ़ोटो खींच लें ताकि आपको खोलने के बाद लगाने में सुविधा हो। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम वायरिंग खोल दिया है, इसको हम अलग रख लेंगे। अब हमें इस पार्ट्स को खोलना पड़ेगा और खोलते समय ध्यान रखें कौन सा स्क्रू कहाँ पे लगा था, ताकि आप आसानी से बाद में इसे फिटिंग कर सकें। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये मोटर है और ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ये पंप हेड है। यानी कि यहीं से आपका अगर प्रेशर कम होता है या कोई मशीन में सेक्शन का कमी होता है तो पहले हमें पंप चेक करना है। अगर किसी कारण मोटर अगर आपका ऑन नहीं होता हो तभी आप मोटर को या मोटर मैकेनिक को दिखाएं। अगर आपका मोटर चल रहा है और प्रेशर कम है तो पहले हमें पंप को चेक करना होगा। तो अभी हम पंप को खोलेंगे। मशीन को ऐसे सीधा कर लें ताकि अगर आप इस टाइप से खोलते हैं तो इसके अंदर ऑयल रहता है, ऑयल गिरने का चांस रहता है। चलिए अभी हम इसको, ये जो देख रहे हैं 4 एलन बोल्ट लगा हुआ है, इसको हमें खोलना है। पहले हम 2 खोलेंगे, इसके बाद 2 खोलेंगे। और ध्यान रखें खोलते समय आराम से खोलें, हड़बड़ी ना करें, क्योंकि इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है। तो इसको खोलने के लिए हमें 5 mm एलेंकी का ज़रूरत होता है। और ये जो देख रहे हैं टिबुलर एक पाइप है ताकि हमको खोलने में आसानी हो और आसानी से हम बोल्ट को खोल सकें। पहले चारों बोल्ट को लूज कर लिया है, तभी हम इसको अब खोलेंगे। दो बोल्ट खोलने के बाद ये जो 2 बोल्ट लास्ट में आप खोलते हैं तो दोनों को एक लेवल में खोलें। फिर आप देख पाएंगे पंप आस्ते आस्ते ऊपर साइड में आ रहा है। इसको खोल दिया है हेड को, अब हम इसको आस्ते आस्ते उठाएंगे। ये जो आप तीनों देख रहे हैं इसके थ्रू प्रेशर बनता है, जो पंप है इसको पिस्टन बोलते हैं। ये तीनों जो लगा हुआ है पिस्टन है और इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ उसके बाद स्प्रिंग लगा हुआ। इसे बहुत जन प्लंजर भी आप बोल सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर ऑयल है, ऑयल के बाद इसके अंदर बैरिंग है, उस बैरिंग को अभी हम निकालेंगे और अच्छे जगह में इसको साफ जगह में रखेंगे ताकि धूला मिट्टी ना पड़े। उसके बाद हम
ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर में प्लेट है, उसके बाद बैरिंग और इसके बाद बॉल प्लेट। इसके सहारे जो आपको हमने पिस्टन दिखाया वो प्रेशर बनाता है। तो बहुत बार क्या होता है कि मशीन को बहुत लॉन्ग टाइम यूज करने के बाद मोबिल बहुत ही गंदा हो जाता है, जो बैरिंग इसके अंदर लगा हुआ रहता है उसका बाबरी जो छोड़ता है इस मोबिल के अंदर ही रह जाता है, उसके कारण पिस्टन ख़राब हो सकता है, पिस्टन जाम हो सकता है, आपका पंप प्रेशर नहीं देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो मोबिल देख रहे हैं उतना गंदा नहीं है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इसको कैसे साफ़ किया जाता है और ऑयल को कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए अभी हम इसको अभी इसके अंदर से बाहर निकालेंगे, और इसको निकालते समय ध्यान में रखें जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर भी आपका बाबरी हो गया है। ये जो आप देख रहे हैं एक तरफ डाउन और एक तरफ ऑफ रहता है, ऑफ रहता है, ताकि जैसे मशीन चलता है तो पिस्टन को इसके मदद से पिस्टन अप डाउन करता है। जो भी हमने मशीन से ऑयल निकाला इसका कलर और नया ऑयल का कलर, तभी हम इसको अच्छे तरह से सफाई करेंगे। सफाई करके उसके बाद हम नया ऑयल को डालेंगे। जो हमने ऑयल निकाला है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ करीब 50-70 ml ऑयल है। यहाँ पर हमें मान लीजिए मशीन चलने के बाद 10 ml कम हो सकता है, यहाँ पे आप 80 ml तक ऑयल इसके अंदर फिल कर सकते हैं। ये जो बैरिंग देख रहे हैं इसके अंदर जो बॉल लगा हुआ है ध्यान में रखें इसके ऊपर हेमर या स्क्रू ड्राइवर या कोई भी टेम्परिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फाइबर का जो देख रहे हैं फाइबर है, टूटने का चांस रहता है। प्लेट को भी अच्छे से साफ कर लें। बहुत बार क्या होता है प्लेट घिस जाता है, उसके कारण भी आपका प्रेशर नहीं होता है या पानी सेक्शन में दिक्कत होता है, तो इसको ध्यान से आप चेक कर लें, तभी हम बॉल प्लेट को बैठाएंगे। अब हम वायरिंग को इसके अंदर डालें। इसको डालते समय ध्यान में रखें एकदम प्रॉपर ग्रुप में बैठना चाहिए। अब हम प्लेट को बैठाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हम बैठा दिया है। जो नया वाला ऑयल है इसके अंदर अभी हम डालेंगे। ये जो आप बॉटल देख रहे हैं इसमें 250 ml का बॉटल है, यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है, तो उस हिसाब से हम इसके अंदर अभी 80 ml ऑयल डालेंगे। पूरा हमने इसमें 80 ml मोबिल डाल दिया है। तो अभी आप देख सकते हैं जब हमने मशीन को खोला था ऑयल का कलर क्या था, अभी हम इसके अंदर नया ऑयल डाले हैं, तो अभी आप देख के समझ पाएंगे मशीन चलने के बाद ऑयल का क्या हालत हो जाता है। और ज़रूरी बात आपको बता दें, पंप हेड खोलने से पहले मशीन को एक बार चला लें, ताकि क्या होता है बहुत दिन मशीन रखने से या ख़राब हो जाने के कारण मोबिल जम जाता है। चलाने से क्या होता है पिस्टन और बैरिंग के हीटिंग के कारण ऑयल आप आसानी से निकाल सके। अभी हम लोगों ने ऑयल चेंज कर लिया है, अभी जो है ये पिस्टन आप चीज आपको हमने बताया कि खोलेंगे देख सकते हैं इसको आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत बार क्या होता है ये जो आप स्प्रिंग देख रहे हैं टूट जाता है, किसी कारण से टूट जाता है, पिस्टन चलना काम बंद कर देता है, मशीन जाम हो जाता है, आपका जो पंप का प्रेशर होता है वो भी
कम हो जाता है। तो खुलने के बाद एक बार स्प्रिंग भी चेक कर लें और प्लंजर चेक कर लें, प्लंजर में या पिस्टन जो होता है दाग ना हो। इसके अंदर छोटा छोटा बल्ब लगा हुआ रहता है, वो भी आप पंप दिखाएंगे। ये जो देख रहे हैं तीन ठो बल्ब लगा हुआ है, इसके साथ ओरिंग लगा हुआ है। ओरिंग कटने के कारण भी प्रेशर नहीं देता है, या इसके अंदर बल्ब जो होता है जाम हो जाता है, उसके कारण भी प्रेशर देना कम हो जाता है। इसको खोलने के बाद अच्छे तरह से चेक कर लें और सफाई कर लें। इसको खोलते समय ध्यान रखें आसानी से प्लायर के सहारे आस्ते आस्ते इसको खोलें। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं इसको ही भाई बोला जाता है, इसके अंदर छोटा सा स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। ये स्प्रिंग भी टूटने के कारण है या इसके अंदर कोई कचरा फंस जाने के कारण प्रेशर नहीं बनता है। इसको खोलते समय ध्यान रखें अच्छे से खोलें, क्योंकि ये फाइबर का आइटम है, कहीं दाग ना हो या टूट ना जाए। इसको अच्छे तरह से हमने अभी चेक कर लिया है। देख रहे हैं यहाँ पे एक ओरिंग दिया हुआ है, लगाते समय ध्यान में रखें ये ओरिंग मिस मैच ना हो जाए। और ये जो आप देख रहे हैं ये ऑटो कट है, जैसे आप गन को ट्रिगर को प्रेस करते हैं प्रेशर निकलता है, जैसे ही हम ट्रिगर को छोड़ देते हैं तो ऑटोमेटिक पंप रुक जाता है और पानी निकालना भी बंद हो जाता है। इस ऑटो कट का इस्तेमाल से ट्रिगर का जो फंक्शन होता है इसी के सहारे होता है। पिस्टन को लगाएंगे, इसको टाइट करते समय ध्यान रखें अच्छे से पहले दो स्क्रू टाइट करेंगे, थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा। ये दोनों टाइट करने से क्या होता है, अगर कोना कोनी ये ध्यान में रखें, जो भी बोल्ट टाइट करें या खोलें, कोना कोनी पहले खोलेंगे या कोना कोनी पहले टाइट करेंगे। अभी हम इसको टाइट कर लिया है, अब हम कवर को लगाएंगे। तब हम वायरिंग को लगाएंगे, जैसे आपको हमने बताया था खोलते समय फ़ोटो खींच लीजिएगा, तो जिस तरह से आप खोले उसी टाइप से वायरिंग को लगाना है।
अभी हम वायरिंग को फिट कर लिया है, अब हम कवर को लगाएंगे। हम टाइट कर लिया है, अब मीटर को हम टाइट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम मशीन को पूरे अच्छे तरह से फिट कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही मशीन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टूल्स विला को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मशीन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।